हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ संगीता। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग केव में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल ओडिशा का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम लोग फिश के साथ ये बनाएंगे। फिश का हेड और टेल को यूज़ करके बनाएंगे। उसका नाम है बंधा गोभी माछा छिंचा। तो पत्ता गोभी को हम लोग ओडिया में बंधा गोभी बोलते हैं, और माछो मीन्स आपको तो सबको पता होगा, फिश को हम लोग माछो बोलते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में ये रेसिपी को देखने के लिए। इस रेसिपी को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए अब हम हमारा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको अभी मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग इस रेसिपी में फिश का हेड और टेल को यूज़ करके बनाएंगे। तो इसीलिए मैं अब क्या कर रही हूँ, फिश का हेड और टेल को फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा फिश हेड और टेल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको अच्छे से फ्राई करना है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम एक और एक पैन लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो उसी तेल में बना सकते हैं जिसमें आपने फ़िश को फ्राई किया है। मैंने यहाँ पे अलग पैन लिया है, उसमें तेल डाला है और फिर उसमें दो सूखी लाल मिर्च और एक छोटा चम्मच जीरा डाली हूँ, एक तेज पत्ता डाली हूँ, दो इलायची और दालचीनी डाली हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जो सब खड़ा मसाला लिए हैं उसको तेल में अच्छे से भुनने देंगे, फिर इसमें मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पे जो मसाला लिया है उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन और 6 से 7 क्लोव गार्लिक और एक आधा इंच टुकड़ा अदरक ली हूँ, उसको पीस ली हूँ अच्छे से। तो वो मसाला को हम लोग अभी अच्छे से भुनेंगे। इस मसाले को अच्छे से भुनना है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हम लोग ऑनियन को पीस के बनाए हैं। ऑनियन को अगर काट के डालते तो वो कम टाइम लेता कुक होने के लिए। इसमें हम लोग ऑनियन को पीस के लिए हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। हल्दी मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी लिया है, और मिर्च आप तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है। अब हम सारे मसालों को मिला के इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ी टाइम के बाद मेरा मसाला अभी ड्राई हो गया है, इसका पानी सब सूख गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कच्चा स्मेल बाकी है इसका। तो मैं इसमें क्या करी हूँ, अभी पानी थोड़ा सा डाल के इसको और थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो मैं यहाँ पे नमक डालना भूल गई थी शुरुआत में, तो अभी डाल रही हूँ। इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमारा पूरा मसाला अभी भून चुका है। अभी हम लोग इसमें सब्जी डालेंगे। तो मैं इसमें आलू ले रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, पत्ता गोभी डालूँगी। पत्ता गोभी को मैंने क्या किया है, पतला पतला काट लिया है। आप चाहे तो इसको और भी पतला काट सकते हैं, जल्दी पक जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आधा आधा करके पत्ता गोभी को डाल रही हूँ मसाले में, क्योंकि मिलाने में मुश्किल होगा एक साथ डालूँगी तो, इसलिए मैं आधा आधा करके ली हूँ। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी ली हूँ। अभी क्या करूँगी, धीरे धीरे पत्ता गोभी को डालते जाऊँगी और मिलाते जाऊँगी। जब तक मैं पत्ता गोभी को मसाले में मिला रही हूँ, तब तक आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर नोटिफिकेशन। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब फिश खाते हैं तो फिश का हेड और टेल को फेंक देते हैं, या फिर किसी को पसंद नहीं आता है खाने में। तो आप इस तरह से बना के देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, मसाले में पत्ता गोभी पूरा अच्छे से मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दो बड़ा टमाटर को काट के डाल दी।
अब मैं इसको मिलाऊंगी नहीं, सीधा लिड को कवर करके छोड़ दूंगी। उस बीच में क्या होगा, टमाटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। देखिए कुछ टाइम के बाद हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, पत्ता गोभी के साथ इस टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद फिर लिड कवर करके पत्ता गोभी को पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम के बाद अब हम क्या करेंगे, पत्ता गोभी पका है कि नहीं थोड़ा चेक कर लेंगे। लग रहा है कि पत्ता गोभी पक चुका है। अब देखिए यह हमारा आलू भी पक चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिश ऐड करेंगे, फिश का हेड और टेल ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम लीड को कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारा फिश थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारा फिश भी सॉफ्ट हो चुका है, जैसे कि हम लोग तोड़ रहे हैं तो फिश टूट रहा है आराम से। तो अब हम इसको अच्छे से तोड़ के फिर मिला लेंगे। अगर आपको फिश का काटा अच्छा नहीं लगता है, निकालने में मुश्किल होता है, तो आप क्या करिएगा, बस फिश का हेड यूज़ करके चिंचड़ा बनाइएगा, तो आपको काटा भी नहीं मिलेगा, इसमें आप आराम से खा भी सकते हैं। तो मैं इसमें अभी क्या की, एक छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दी। इसमें गरम मसाला बहुत ज़रूरी है, तो इसको, ये मेरा हैंडमेड घर का ही बना हुआ गरम मसाला है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको गरम मसाला का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा रेसिपी अभी रेडी हो चुका है, मैंने एंड में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। तो ये हमारा रेसिपी अभी रेडी हो चुका है, इसको घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा।